हरियाणा विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। बीजेपी ने प्रदेश में योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की झड़ी लगा दी है। इस कड़ी में खेल मंत्री अनिल विज ने ननहेड़ा में करीब 21 करोड़ 48 लाख की लागत से बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। ओवरब्रिज के निर्माण से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। आज यहां पर ननहेड़े में ऊपर मार्गी पुल जो लगभग 21 करोड़ 48 लाख रुपए में बनेगा, इसमें खर्चा तो और भी आएगा ज़्यादा। जो रेल का बनेगा उसका खर्चा एक्स्ट्रा आएगा, तो लगभग आप मान लो कि 25-30 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल आपको बनाकर दिया जा रहा है। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए अनिल विज ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाने भी साधे। हुड्डा साहब के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि हुड्डा का लगातार अवमूल्यन हो रहा है, डिवैल्यूएशन हो रही है। पहली बार हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस की 67 सीटें आईं। दूसरी बार हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, कांग्रेस की 40 सीटें आईं। तीसरी बार हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस की 15 सीटें आईं। और इस बार फिर ये हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। विधानसभा चुनाव करीब आते ही बीजेपी एक के बाद एक नई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है। अब देखना होगा कि चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा कितना पहुंचता है। R9 TV के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।